तो वेलकम टू द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और मैं पहुंच चुका हूं विश्व के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस पे, जो कि है हिक्किम में। सभी लोग अपने अपने घर पे लेटर भेज रहे हैं, अब उन भी भेजते हैं, देखते हैं कितने दिनों में पहुंचेगा। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं आज इतने सारे अचीवमेंट तो कर रहा हूँ, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड और वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, क्या करूँगा मैं इतनी सारी अचीवमेंट का। बहुत भीड़ है यार, देखते हैं अपना नंबर कितनी देर में आएगा। सारे के सारे चिट्ठियाँ लिखने में लगे हुए हैं, खाने पीने के लिए भी है। हाइट जो है इसकी वो है 4,440 मीटर। और चलो अपन भी जल्दी से एक चिट्ठी लिखते हैं घर के लिए। तो पहले आपको वहाँ से पोस्ट कार्ड लेना है, वहीं पे एनवलप है, और उसके बाद यहाँ पे लगवाना है स्टाम्प। ये अपना वाला है, अब देखते हैं पहुँचेगा कि नहीं। अपन ने भी यार एक चिट्ठी डाली थी घर के लिए, अब देखते हैं पहुँचती है नहीं। कई लोग क्योंकि बोल रहे थे कि कभी कभार नहीं पहुँचती है, तो लेट्स सी। 30 रुपये का पोस्ट कार्ड था और 6 रुपये का स्टाम्प, टोटल 36 रुपीज़। तो अब चलते हैं आगे के लिए। ये रास्ता जाता है आपका कॉमिक विलेज के लिए, और ये लंगजा के लिए, और ये काजा। तो पोस्ट ऑफिस से यहाँ तक मुझे लगा करीब 1 घंटा, और वैसे टाइम कम लगता, पर रास्ते में जो है जहाँ से मैंने बाइक ली थी वहीं पे से दो लोग और थे जिन्होंने बाइक ली थी, तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको देख रहे थे हम लोग, जो आपने वीडियो में देख लिया होगा। अच्छी बात ये थी उन लोगों के कहीं चोट नहीं आई, थोड़ा सा बाइक में डैमेज हो गया, तो ये कि वो आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, पर बाकी सब कुछ ठीक रहा। और मैं आ चुका हूँ अभी की मॉनेस्ट्री में। यार ये तो सपना सा था, काफ़ी टाइम से सोच रहा था यार, पर आज फाइनली मैं हूँ की मॉनेस्ट्री में। और ये यहाँ का एंट्री गेट, खुलने का टाइम 7 AM और क्लोजिंग टाइम 7 PM। तो चलते हैं अभी ऊपर, देखते हैं कैसा है। ये है इसका लुक, वहाँ से सामने की तरफ से हम लोग आए, और ये रेस्टोरेंट है नोरियांग कैफे। ये पार्किंग स्पेस है। बाइक चलाते चलाते कमर में हल्का हल्का पेन महसूस होने लगा। एक और चीज़ जो कि मैंने कॉमिक विलेज में रियलाइज़ की, वहाँ ऑक्सीजन थोड़ा सा मतलब सांस खींचने पे आ रही थी, इजीली नहीं आ रही थी। हालांकि यहाँ पे भी ऊंचाई पे है, पर उतनी दिक्कत नहीं है जितना कॉमिक में थी, क्योंकि वो शायद लगभग 15,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊँचाई पर था। लेकिन जैसे उससे नीचे मैं
हिक्किम में आया तो फिर थोड़ा रिलैक्स मिला, और ये तो फिर थोड़ा और नीचे। अभी यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है वॉकिंग करने में, क्योंकि ये चढ़ाई है इसलिए सांस फूल रही है। तो पेश है आपके सामने की मॉन्स्ट्री। सांस चढ़ गई यार। और देखो बाहर का नजारा। वो है रोड जहां से अभी हम लोग आए हैं। चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या है अंदर, क्यों है इतनी फेमस की मॉनेस्ट्री। अभी ना बहुत तेज तूफान आ रहा है, तेज यहाँ तूफान आ रहा है जिस वजह से अभी हम लोग यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। और अंदर ना बहुत शांति थी, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बना नहीं इसलिए कर नहीं पाया, बोले कितना तेज तूफान है। बाकी आपको हवा चल रही है उसका तो पता चल ही रहा होगा। आप इधर आते हो तो ये भी एक चीज़ है, ये तूफान भी आ सकता है। अब देखते हैं कितनी देर हम लोग यहाँ पर रुकते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे आगे किप्पर के लिए। अब तूफान हो गया है शांत और अब हमारी बारी है। ये देखो नीचे का रास्ता ये है, चढ़ते टाइम सांस फूल रही थी और नीचे जाते टाइम बड़ा मज़ा आ रहा है। और अंदर जो है बच्चों की पढ़ाई होती है और मेडिटेशन होता है, और कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ जो साधु बंदे हैं उन्हीं के लिए एंट्री है। और ये यहाँ का स्कूल है, बाकी उन्होंने वहाँ पे मुझे चाय पिलाई है, बहुत ही टेस्टी चाय थी और इतना ज़बरदस्त चाय थी ना, हल्का सा मीठा बनता उस चाय में, मज़ा आ गया। मतलब यार स्पीति अगर आप आ रहे हो ना यार, लाइफ का वन सिना वाइल्ड मूवमेंट है, और सारी जगह अच्छा से टाइम लेके आओ, सारी जगह एक्सप्लोर करके जाओ। तो मैं पहुंच गया हूँ किब्बर विलेज में और मेरे जस्ट सामने है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा चीचंग ब्रिज, तो आज की वो लास्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद वापस काजा। And on we'll go.
की आखिरी डेस्टिनेशन पे हो है चीचम ब्रिज। ये अपनी गड्डी रखी है। यहाँ पे आने के दो रास्ते हैं, एक तो आप किब्बर विलेज से आ सकते हो, एक आप बीच से रास्ता क्या हुआ है उधर से आते हुए आप इस तरफ से, ये रास्ता किब्बर विलेज के लिए जाता है। अगर आप ऊपर से आते हो तो यहाँ से होते हुए यानी कि किब्बर विलेज होते हुए नीचे की तरफ आ सकते हो। तो ये है चीचम ब्रिज। तो अब बस अब जल्दी से चलते हैं घर क्योंकि बारिश आ चुकी है, उधर शायद हो भी रही हो आपको दिखना होगा और इधर देखो कितनी गहराई है। सेम यार, इस साइड भी बहुत गहराई है। तो इससे पहले कि मौसम ख़राब हो तो मैं चलता हूँ अपने गेस्ट हाउस वापस और बाइक को सबमिट करूँगा वहीं और फिर करूँगा रेस्ट। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।